आज हम देखेंगे एसडी रिसीवर, डीडी फीड, डिश वाला। एक सौ पचासी प्लस टीवी चैनल फ्री फॉर लाइफ, ये हमारा एसडी रिसीवर है। फुल एसडी से यूएसबी के दो पोर्ट दिए हुए हैं। हम इसको खोल के देखते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या दिया है। हमारा कवर है, ये एसी सीरीज देखते हैं हम जो डीटीएच के साथ आया हुआ है। ये हमारे एचडीएमआई केबल है, ये लगभग एक से डेढ़ मीटर का केबल रहता है। इसको साइड में रखते हैं। ये ऑपरेट करने के लिए हमको रिमोट दिया हुआ है, ये इसका एडाप्टर दिया है चलाने के लिए। ये एडाप्टर है 12 वोल्ट 1 एम्पियर का। इनपुट वोल्टेज है इसका 110 वोल्ट से 260 वोल्ट तक। ये 50 से 60 फ्रीक्वेंसी पे चलता है। अब हम इसको चला कर देखते हैं, ऑन करके देखते हैं टीवी में लगाकर। इसको यहीं कनेक्ट करेंगे। अब ये रिसीवर है RS1 एच रिसीवर, MPEG4, इजी टू यूज टू टीवी रिकॉर्डिंग। इसके फीचर देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। ये दो यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, एचडीएमआई दिया हुआ है, ये एवी लीड के लिए दिया हुआ है, आरसी लीड के लिए। यहाँ हमारा एडाप्टर लगेगा 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट 1 एम्पियर यूएसबी। ये एवी लीड का है, ये हमारा छतरी का है। पहले हम ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें रिमोट में सेल डाल देते हैं। ये हमारे रिमोट में सेल डाल चुके हैं। अब हम ये रिसीवर में कनेक्शन देते हैं। ये हमारा छतरी से आया हुआ वायर है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया वायर। अब ये हम ये जो टीवी का वायर है एचडीएमआई वाला, ये इसमें लगा देते हैं और चलते हैं टीवी की स्क्रीन पर। ये हमारे एडाप्टर का भी लगाना पड़ेगा वायर पहले, ये एडाप्टर का, इसमें पावर दे देंगे। ये हम इसको पावर दिए, ये हमने पावर दे दी इसको, ये हमारा ऑन हो रहा है, ये ऑन हो गया है। अब हम टीवी स्क्रीन पे जाते हैं। टीवी स्क्रीन पे जाएंगे, इसको हम टीवी के रिमोट से
ये हमारा सोर्स 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 दबाएंगे, उसके बाद टीवी के रिमोट से HDMI पे आएंगे, इसको ओके करेंगे। ये हमारा चालू हो गया, ये हमारा चालू हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।